जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मरकुस 7:37। और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गुंगों को बोलने की शक्ति देता है। वे सब छंबित हो गए। इसमें एक कहां अंश विशेष सत्य है, देखिएगा। जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, उत्पत्ति पहला अध्याय का 31 को अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर के द्वारा जो कुछ सृष्टि किया गया है वो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जिस दिन मनुष्य ने पाप के लिए जगह दिया था, उस दिन से लेकर दुनिया का और मनुष्य की सारे जिंदगी को पाप ने बिगाड़ डाला है। परमेश्वर मनुष्य का जो संबंध वो टूट गया था। उत्पत्ति 6 अध्याय में देखिए, पृथ्वी में पूरा पाप भर गया था और उसकी सारे सोच विचार बुरी हो गई थी। जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने सबको सत्यानाश किया और साथ ही साथ दूसरा आदम जो इस दुनिया में आया और जो दुनिया बिगड़ गई थी, इस बिगड़ी हुई जिंदगी को बनाने के लिए यीशु क्रूस पर जाकर क्रूस पर मार दिया गया। तीसरा दिन वो जीव उठा है। नाश होने वालों को ढूंढने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह फिर दुनिया में आया। क्रूस पर आके परमेश्वर मृत्यु के द्वारा सभी बातों को उन्होंने ठीक किया है। इसलिए वचन में ऐसे पढ़ते हैं, यीशु ने सब कुछ ठीक से किया है। आदम पाप करने के द्वारा क्या हुआ है दुनिया में, पृथ्वी में जंगल पौधा और कांटे जो है उगने लगे। 3:23 में आदम वटिका से परमेश्वर ने उनको दोनों को बहा दिया। यीशु मर के तीसरे दिन जो है वहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखेगा तो यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ। सारे श्रापों को बदल के परमेश्वर हमारे लिए आशीषों को लाया। आदम के द्वारा इस दुनिया में कांटे जो उगने लगे, उसको बदलने के लिए यीशु ने अपने सिर पर कांटों की मुकुट को सह लिया। लूक 22:44 में देखिए, परिश्रम करके उन्होंने पसीना बहने लगा। उसको बदलने के लिए यीशु जो है उस गब्समने बगीचा में उनको पसीना खून के रूप में बहा और श्रापों को बदल दिया। हम देखते हैं बगीचा से बहा दिया और द्वार पर खड़े होके खटखटाता, यदि खोलेंगे तो मनुष्य के पास आके भीतर आके वो भोजन करके संगति करना चाहता है। कितने दयालु परमेश्वर मृत्यु के द्वारा उन्होंने किया। आज इसको सुनने वाले मेरे प्यारों, दिल की दरवाजा को परमेश्वर खटखटाता, यदि खोलेंगे तो आपका सारा श्राप बदल जाएगा। आपका जीवन में दिखने वाले सारे श्राप बदल जाएगा। सारे जो है कांटे के जैसे अनुभव भी बदल जाएगा। परमेश्वर आपको आज आशीष देना चाहता है। यदि आपका जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय दुख में है तो श्रापों को बदलने वाले, सारे जो है दुखों को बदलने वाला परमेश्वर आज आपके बीच में उपस्थित हुआ है। आपका जीवन पूरा बिगड़ गया, आपका जो है जीवन का संबंधी रिश्तेदार रिश्ता सारे बिगड़ गया, लेकिन परमेश्वर आज उसको ठीक करने के लिए चाहता है। उनसे असंभव की काम कुछ भी नहीं है। सारी बातों को परमेश्वर बदल के आपका जीवन को परमेश्वर आशीष के रूप में बदलने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया।